हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं शेयर कर रही हूँ जलेबी की आसान सी रेसिपी। सबसे पहले हम इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम 2 कटोरी चीनी में 1 कटोरी पानी डाल देंगे। चीनी जब तक पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए हमें उसे चलाते रहना है, नहीं तो वो नीचे चिपक जाएगी। अब हम इसमें येलो फूड कलर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। एक चम्मच गुलाब जल भी डाल देते हैं। चीनी अब पूरी तरह से पिघल गई है। अब हम इसमें एक बॉईल आने के बाद गैस को बंद कर देंगे। ग्रेवी बनाने के लिए चाशनी को बस चिपचिपा होना चाहिए। चम्मच में थोड़ी सी चाशनी लेकर हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। चाशनी तैयार हो गई है। अब गैस को हम बंद कर देंगे। जलेबी का बैटर बनाने के लिए हम 1 कटोरी मैदा लेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून ईनो डालेंगे। हमें इंस्टेंट खमीर वाला टेस्ट मिल जाएगा। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। मैंने 1 कटोरी मैदा के लिए 1 कटोरी पानी लिया है। बैटर को हमें कम से कम 3-4 मिनट के लिए फेंटते रहना है। बैटर में एक भी लम्स नहीं होने चाहिए। ये देखिए, 1 कटोरी में से इतना पानी बच गया है। ये जलेबी का बैटर बिल्कुल तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। मैं जलेबी बनाने के लिए पाइपिंग बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी जगह दूध का पैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तरह से ग्लास में रख के हम अब इसमें बैटर डाल लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं भरना है। इसे हम थोड़ा सा काट लेंगे। अब हम एक पैन में तेल गरम करेंगे। हमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है। देखिए, बस इतना ही तेल होना चाहिए।
के फ्लेम को लो कर लेंगे और जलेबियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। इसे हम थोड़े से जल्दी जल्दी डालेंगे और लास्ट में हम हर जलेबी को लॉक कर देंगे। देखिए इस तरह से जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहीं हमें ख़त्म करना है। जब जलेबी थोड़ी क्रिस्पी हो जाए तब हम इसे पलट लेंगे। जलेबियों को लाइट ब्राउन होने तक हम तल लेंगे। जलेबियां लाइट ब्राउन हो गई हैं। इसे डायरेक्ट तेल में से निकाल कर चाशनी में डाल देंगे। चाशनी भी गुनगुना होना चाहिए। हम इसमें जलेबियां को डाल देंगे। जलेबियों को हमें ज़्यादा देर तक चाशनी में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसे दोनों तरफ से चाशनी से कोट करने के बाद हम इसे चाशनी में से निकाल लेंगे। देखिए चाशनी का पीला कलर जलेबियों में आ गया है। इसका मतलब इसके अंदर अच्छे से चाशनी घुस गई है। तरह से हम सारी जलेबियां बनाकर तैयार कर लेंगे।